कौशल से बात कराइए मेरी। हाँ हाँ करवाता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ कुछ चल रहा है। कुछ चल रहा है मतलब? सब ठीक तो है ना? कौशल है ना वहीं? आप मेरी उससे बात क्यों नहीं करवाते? सुनो अभी फोन रखता हूँ, बाद में करूंगा। कितना दूर है उसका घर? बस आने वाला होगा। लीजिए आ गया सूर्या। नमस्ते साहब। सूर्या, 3 जून को अहमदाबाद जाने वाली बस में तू कंडक्टर था? हाँ साहब, क्या हुआ? उस बस का जो ड्राइवर था वो कपिल है, अभी ड्यूटी पर है। जैसे ही आएगा मैं आपके पास भिजवा दूंगा उसे। अभी से ले जाता हूँ, चल सूर्या। हाँ साहब, चलो। अशोक भाई, रियाजपुर से लतीफ भाई आए। चलो शुक्र है, अब यही सच बता देंगे पुलिस को। क्या बवाल खड़ा करके गई है ये लड़की? मैं तो कहती हूँ। देखो फरजाना, तुम भड़कोगी नहीं, अब शांत रहोगी। वैसे मैं काफी परेशान हूँ, इस समय नहीं। लतीफ भाई। क्या लती भाई, आप तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। खुद आ गया हूँ ना। वो कौशल के बारे में सुना आपने? क्या हुआ? वो अशफाक भाई, क्या सोचा था क्या निकले? इतना बड़ा झूठा आदमी देखा नहीं मैंने। कौशल घर पहुंची ही नहीं और वो क्या क्या कहानियां बना रहे हैं। ऐसा कैसे बशीर? कौशल तो 4 तारीख को पहुंच गई थी ना। अशफाक भाई बोल रहे थे कि आप मेरी बात मानोगे या उस झूठे की? बेटा, तेरे अब्बू से ठीक से बात नहीं हो। मैं पूछ रहा था, आपस से बात हुई? मैं भी तो वही कह रही हूँ कि नहीं हुई। वो ईद पर भी घर नहीं आए, अब्बू ने कहा था उसे लेकर आएंगे घर। कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ चल क्या रहा? बताओ तो सही, कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? बैठ जा, चुपचाप बैठ, समझे? मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारे साहब ने कहा था उसे ढूंढ निकालेंगे। तेरी बेटी का पता अगर कोई बता सकता है ना, वो तू है बशीर अंसारी, समझा? बैठ। देख बशीर, बात को घुमा मत। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, 2 मिनट में सीधा कर दूंगा। शांति से बता दो, कहाँ है कौशल? ये कैसा गंदा मजाक है साहब? क्या किया तुम लोगों ने कौशल के साथ? कौशल अप्पा को अब्बू लेने गया है, अप्पा जोधपुर में है ना। वो जोधपुर से यहाँ रियाजपुर आई थी 4 जून की सुबह। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ये भोली बनने का नाटक किसी और के सामने करना। बता कौशल कहाँ है? ये डरे हुए होने का नाटक हम पर कोई असर नहीं करता, उल्टा और गुस्सा बढ़ाता। समझ गया, अशफाक भाई ने सबको लपेट में ले लिया, सब बिक चुके। सबको झूठा बोलता है, तेरा झूठ पकड़ा गया। हाँ ये थी बस में, कौशल नाम है इसका। अच्छा, नाम भी याद रखता है? अरे नहीं साहब, वो अकेली सफर करी थी ना बस में, और इसे जो बिठाने आया था बड़ी फिक्र थी उसे। बार बार मुझसे कह रहा था कि कौशल का ख्याल रखो। हाँ यही थे दोनों थे? हाँ, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी फिक्र थी इसे। रियाजपुर बस स्टैंड में उतार दीजिएगा। हाँ फिक्र मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगा बच्ची। और हाँ ये लो, रास्ते में कुछ खा लो, किसी अच्छी जगह रुकिए। हाँ बेफिक्र, हम अच्छी जगह ही गाड़ी रोकते हैं। मैं अच्छी तरह से बच्ची को रियाजपुर में उतार दूँ। चले बेटा।
रास्ते में नाश्ता करवाया, नजर थी मेरी बच्ची पर, और फिर रियाजपुर बस स्टॉप में इसका बाप लेने आया था। अबू। अरे चलो का सर बाय, एडवांस में मुबारक। हाँ कपिल बड़ा गाड़ी ड्राइवर कपिल से भी पूछ लीजिए, वो भी यही बताएगा। वैसे हुआ क्या ऐसा? हाँ कौशल नाम है, अपने कंडक्टर सूर्या और मैंने इसे रियाजपुर में उतार दिया था, बाप आया था लेने। कुछ हो गया क्या सर बच्ची को? अच्छा वो बस कंडक्टर और ड्राइवर भी झूठ बोल रहे? सब भी क्यों? अच्छा और वो तेरा लतीफ भाई? क्या क्या बोला लतीफ भाई? साहब सारे जोधपुर में मैंने कई सारी बच्चों को काम पर लगाया, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैंने तुमसे तुम्हारा बायोडाटा नहीं पूछा लतीफ अब्दासी, मैंने सिर्फ इतना पूछा है बशीर और अशफाक के बीच झूठ कौन बोला। साहब मैं वही बताऊंगा जितना मालूम है मुझे। जल्दी बोल। 3 जून को फोन आया था मुझे अशफाक भाई का। देख लतीफ, इस बशीर को मैं तेरे जरिए मिला था इसलिए तुझे बता रहा हूँ, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। कौसर को रियाजपुर अकेले भेजने के लिए इसने मुझे मजबूर किया है, अभी भी बस में बैठा कर आ रहा हूँ उसे, और इसने मुझसे वादा किया कि रियाजपुर बस स्टैंड पर उसे उतार लेंगे। देख मेरा मन तो नहीं मान रहा था लेकिन मैं क्या करता, बाप तो वो है ना, उसकी मर्जी। मैं 4 तारीख की सुबह ही काम से निकल गया था अपने गांव से, मैंने खुद जाकर नहीं देखा बच्ची पहुंची या नहीं। अगर अशफाक भाई बोल रहे हैं कि उन्होंने बच्ची को बस में बैठा दिया था तो बैठा दिया होगा, वो झूठ नहीं बोले। मतलब बशीर झूठ बोल रहा है? पता नहीं सर, लेकिन आप ये बशीर बातें थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर कहता है। सच बताता हूँ साहब, बच्ची शुरू में जाने को राजी नहीं थी और ना ही उसकी अम्मी राजी थी, मगर बशीर जबरदस्ती कौसर को भेजना चाहता था, और साहब ये तो पार्टी से 15 की जगह 20 चाहता था। मैंने बोला अच्छे लोग हैं ज्यादा मुंह मत फाड़, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। अच्छा ये कौसर खुश थी अशफाक करीमी के परिवार से? पूरे 8 महीने थी वो उनके घर पर, खुश नहीं होती तो रहती नहीं वहां। साहब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बशीर ऐसे क्यों पेश आ रहा है। अब ये ड्रामा बंद कर, चल बता कहाँ छुपा है कौसर को, क्या क्या उसके साथ? इस तरह चुप रहने से केस खत्म नहीं हो जाता, लंबा चलता है और तकलीफ बढ़ती जाती है। मुंजाल अभी बशीर की बोलती बंद हो गई है। लेकिन सर यास्मीन ने तो एक ही रट लगा रखी है कि कौशल घर आई ही नहीं। मुझे लगता है फैमिली ने ही लड़की को कहीं छुपाया या गायब करवाया, और अशफाक करीमी से पैसे हटने का प्लान था इनका। मैंने कौशल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर दी। तुम एक काम करो, इस बशीर के पीछे 2 आदमी लगा, ये हमारी नजर के बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है साले ने ही कुछ किया है। सर मुझे लगता है इस बशीर ने कौसर को कहीं और काम पे लगा दिया होगा। लेकिन तुम तो अच्छे पैसे दे रहे थे। सर अच्छे पैसे भी एक हद तक ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद और ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। लालच का समंदर बहुत गहरा होता है सर। तुम्हें क्या लगता है ये बशीर बच्ची को बेच सकता है एक साथ बड़ी रकम के लिए? सर मैं वहां तक तो नहीं सोचूंगा, पर इंसान को कोई भरोसा नहीं। पर सर बात यह है कि बच्ची बहुत प्यारी थी, हमारे साथ बहुत घुल मिल गई, पर ये बशीर मुझे पहले दिन से कुछ ठीक नहीं लगा था, पर हमारे को बेटी से मतलब था इसलिए हमने माइंड नहीं किया। हमें भी लगता है कि कौसर के गायब होने में बशीर शामिल है, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छूटेगी। हमने रियाजपुर पुलिस को बोल दिया, बशीर पर कड़ी नजर रखे। सब क्यों कह रहे कि 4 जून को कौसर यहाँ आई थी, और अगर आई थी तो तुम उसे कहाँ ले गए? बशीर मेरी, कौसर कहाँ है, क्या किया तुमने उसके साथ? मैं कब से कह रहा था आपा को वहाँ मत भेजो। आपा कहाँ है अबू? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जवाब दो बशीर। बस का कंडक्टर, बस का ड्राइवर, सबने अशफाक और उसके साले कासिम को
3 जून की रात को कौशर को बस में बिठाते हुए देखा था। बस के कंडक्टर ने अगली सुबह को रियासपुर में कौशर को अपने पिता के गले मिलते हुए भी देखा था। कासिम ने पुलिस को टिकट की फोटोकॉपी पेश की थी। लतीफ अब्बासी वो एजेंट जिसने अशफाक और बशीर को मिलवाया था कौशर को लेकर, वो भी अशफाक के स्टेटमेंट का समर्थन कर रहा था और बशीर पर शक। क्या यह मुमकिन है कि एक सगे बाप ने ही अपनी बेटी को गायब करवा दिया था या फिर उसके साथ कुछ कर दिया था? अगर ऐसा था तो क्यों? अब देखना बाकी था कि कौशर का सच सामने कैसे आएगा।